एंड एट दिस स्टेज आई नीड समवन हु विल गाइड मी टू कॉन्कर माय गोल्स. मैंने एक कोच हायर किया है, एक या दो कंपटीशन भी खेलूंगा. लेट कमर, जाने का टाइम हो गया. Hey guys, this is Raj Kadir. I'm back with another video. So first of all, happy new year everyone. And अभी अंदर चलते हैं. इधर बहुत noise आ रहा है बालकनी में. It's 3 January today. दो दिन पहले new year हुआ है. But I'm wishing you late. And ये video आते आते तो एक महीना बीत जाएगा. But जब ये video आएगी तब मेरे next 3-4 videos almost recording हो जाएंगे. इस video में I want to tell you that new year के साथ मेरे कुछ नए plans भी है. Fitness में आया था तब से, यहाँ से मैं यहाँ तक पहुँचाऊँ. एंड एट दिस स्टेज आई नीड समवन हु विल गाइड मी टू कॉन्कर माय गोल्स, अचीव माय गोल्स. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैंने एक कोच हायर किया है एंड आई विल रिवील हिज नेम इन नेक्स्ट 2-3 डेज. सो आपको डे बाय डे वीडियोस आएंगे. ये पूरी मैं ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज चालू कर रहा हूँ एंड इस सीरीज में आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन एवरीथिंग इन डिटेल. एंड मे बी मैं कॉम्पिटिशन भी खेलूंगा एक या दो दिस ईयर. इट्स नॉट फाइनलाइज बट मैं अभी गेनिंग करने वाला हूँ. सो उस पर पता चलेगा कि हाउ मच मसल आई गेन एंड इफ आई एम रेडी टू कम्पीट. सो मेनली आई हैव हायर्ड अ कोच बिकॉज मुझे यहाँ से यहाँ तक का रास्ता पता था एंड आई वेंट देयर, नाउ आई एम हियर. बट मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है. सो आई नीड समवन टू गाइड मी जो मुझे यहाँ से यहाँ तक लेके जाएगा. सो मैं पहले मेन गेनिंग करता था बट आई एम स्विचिंग टू बल्किंग बिकॉज मेन गेनिंग में रिजल्ट स्लो आते हैं एंड यू स्टे लीन ईयर अराउंड. बट अभी आई एम गोइंग अप एंड डाउन बिकॉज मेरे कोच ने बोला है दे सेड लेट्स ट्राई दिस वे एंड नेचुरली जो भी मेरा पोटेंशियल है वो बाहर निकालना है, इससे भी ज्यादा गेन करना है. नाउ वी विल गोइंग ऑल आउट बल्किंग, हम फुल ऑन बल्किंग करने वाले. वी आर गोइंग टू गेन अ लॉट ऑफ मसल एंड उसके साथ फैट भी आएगा ऑब्वियसली. सो हाउ माई मेंटल स्टेट चेंजेस, हाउ माई फिजिकल बॉडी चेंजेस, ये पूरी जर्नी में आपको इसमें दिखाऊंगा. इन दिस 3 months मुझे जितना मैं मसल पुट ऑन कर सकता हूँ उतना मसल पुट ऑन करना है एंड उसके बाद हम कटिंग करने वाले हैं जिससे कि हमें पता चलेगा मैंने कितना टोटली 3 months और आगे जो कट होने के बाद कितना मैंने मसल कैरी किया है. आई विल मेक अ वीडियो ऑन फुल डे ऑफ ईटिंग जिसमें आपको पूरा डाइट प्लान बता दूंगा मैं. वर्कआउट प्लान में अभी सिंगल मसल ट्रेन करेंगे, वो आपको आगे के वीडियोज में पूरा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा. सो उसके लिए बने रहिए इसी चैनल पे, वीडियोस कंटिन्यूसली आने वाली है. डोंट वरी, आपको सब पता चलेगा, पूरा इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा. एंड आज से हम एक नए जिम में भी जाने वाली है बिकॉज आई नीड सम चेंज. मुझे नए मशीन्स ट्राई करने हैं, मुझे थोड़ा सा डिफरेंट एनवायरनमेंट में वर्कआउट करना है. सो आज मैं नए जिम में जाने वाला हूँ एंड वहाँ का वर्कआउट भी दिखाऊंगा आपको. एंड देर इज गुड न्यूज गाइस, अगर ये सीरीज पूरी अच्छी चली एंड मुझे इससे अच्छा रिस्पॉन्स आया देन आई विल बी शेयरिंग अ फ्री वर्कआउट प्लान एंड फ्री डाइट प्लान जिससे कि आप अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो. जो मैं कोच से कर रहा हूँ वो आप मुझसे कर सकते हो, अपने आप से कर सकते हो, वो भी फ्री में. सो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, जस्ट मुझे अच्छा सा रिस्पॉन्स दो एंड मैं आपको पूरा वर्कआउट और डाइट प्लान शेयर करूंगा. जब ये ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इज हायरिंग अ कोच नेसेसरी और आपको उनकी जरूरत है या आप मेरे जैसे भी यहाँ से यहाँ तक आ सकते हो अकेले अपने आप पे सेल्फ कोचिंग पे. सो मैं आपको पूरा मेरा रिव्यू भी दूंगा कि हाउ माई एवरीथिंग गोज, के लिए बने रहिए. सो अभी बहुत अच्छे अच्छे गेन्स आने वाले, इससे भी ज्यादा गेन्स आने वाले. लुक एट द साइज, ये सुबह से जो मैंने कैलोरी सरप्लस में खाया है उसके वजह से ये राउंड ने ये मेरे मसल ऐसे फुल फुल लग रहे हैं. सो पहले दिन ही इतना मुझे रिजल्ट दिख रहा है. सो आगे देखते हैं क्या क्या होता है, क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या बॉडी में अच्छा लगता है. मुझे मेरे बॉडी पे फैट पुट ऑन करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आई डोंट लाइक टू बी फैट. मैं पहले बहुत ही फैट हुआ हूँ. सो दिस मे बी अ लीन गेनिंग और आई विल गोइंग ऑल आउट बल्किंग. सो अभी तक मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं है, देखते आगे कैसे कैसे होता है. एंड अगर आपके कोई क्वेश्चंस है रिलेटेड टू कोचिंग, फिटनेस, डाइट वगैरह, आप कमेंट्स में पूछ सकते हो या फिर मुझे DM कर सकते हो @Mr_RajKadam इंस्टा पे, यहाँ पे आ रहा होगा. सो गो एंड DM मी देयर. वी आर एट द जिम, तो चलते हैं अंदर. सो आई हैव रीच इन द जिम एंड दिस इज द changing room for boys. My friend is coming. My new partner. His name is Yashakir. उसका आने का वेट करते हैं तब तक. शूज वगैरह पहन के
वॉक करेंगे. सो इट्स बीन अराउंड 15 to 20 minutes एंड स्टिल मेरा पार्टनर आ रहा है. इट्स फर्स्ट डे एंड स्टिल ही इज लेट. कब आएगा क्या पता. आई विल बी गोइंग इनसाइड एंड स्टार्टिंग माई वर्कआउट बिकॉज इसकी तो गारंटी नहीं लग रही. होप सो ही कम्स. एंड आई एम गोइंग टू ट्रेन आर्म्स टूडे, बाइसेप एंड ट्राइसेप्स. सो हम वॉक करते हैं एंड वर्कआउट चालू करते हैं. मैंने वर्कआउट किया थोड़ा सा. इट्स टाइम टू रिमूव द पंप कवर. लेट्स गो नाउ योर बॉय. इतनी देर से तेरा वेट कर रहा हूँ और तू अब भी आया है. जाने का टाइम हो गया.